Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द वीकेंड व्लॉग, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और ये वाला वीकेंड एक्सट्रीम टायरिंग था हम सब के लिए. सो आज हम लोग आए थे इस शॉप में जो अल कबायल है ना, वैसा ही एक और स्टोर के सामने से हम लोग कई बार निकलते थे. तो आज हमारे पास एक घंटा स्पेयर था, सो हम लोगों ने सोचा कि चलो आज यहाँ एक्सप्लोर किया जाए. सो बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है अल कबायल जैसा ही. इट्स ए ह्यूज स्टोर, मल्टी स्टोरीड है ये भी, एंड यहाँ पे हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं. और आज यहाँ पर मैं आई थी, स्टार्ट मैंने किया था प्लांट्स वाले सेक्शन से बिकॉज आई वॉन्टेड टू बाय सम प्लांट्स. और क्योंकि पिछले टाइम ना जब हम इंडिया गए थे तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो गए, सो यहाँ पर मैं प्लांट्स लेने आई थी बेसिकली. बट पूरा मैंने एक्सप्लोर किया और काफ़ी क्यूट चीज़ें थी यहाँ पर. अब एज अ हाउसवाइफ और एज अ मॉम मैं सबसे पहले जो चीज़ एक्सप्लोर करती हूँ वो है किचन का सामान. पहले ना जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर के पास में एक स्टोर हुआ करता था, आपका जनरल स्टोर, जहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी नई नई घर की चीज़ें मिलती थी. और मम्मी वहाँ पे ना ऑलमोस्ट हर महीने जाती थी टू एक्सप्लोर कि क्या नया आया है. और हम लोगों को लगता था कि मम्मी क्यों हर बार यहाँ आ जाती है, वही चीज़ें होती हैं किचन की, इतना क्या किचन में इनको चाहिए होता है पता नहीं. बट नाउ एज अ मॉम आई रियलाइज़ कि हाँ, इतना मज़ा आता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, देखने में कि क्या नया आया हुआ है. सिमिलरली ना सब्जियों के साथ भी यही चीज़ होती है. सो जिया और मम्मी जब भी कहीं रोड ट्रिप पे जाते थे या हम लोग अजमेर जाते थे तो बीच में जो भी गांव पड़ता था वहाँ से ना मम्मी सब्जियाँ ख़रीद लेती थी. और तब लगता था कि जयपुर में भी तो मिलती हैं, यहाँ से लेने का क्या मतलब है, क्यों यहाँ से लेके हम लोग जा रहे हैं. बट अब समझ में आया कि फ्रेश वेजिटेबल्स की क्या वैल्यू है और उसे बनाने में कितना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू जो रोज़ की रेगुलर सब्ज़ी वाले से ली हुई सब्ज़ियाँ होती हैं उस पर. सो आई गेस टाइम के साथ साथ चीज़ों की वैल्यू जो है वो पता चलती है. आई होप आप लोग इस बात से अग्री करते होंगे. अगर अग्री करते हैं तो मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बचपन में आपको लगता था कि ये मम्मी डैडी क्यों ही कर रहे हैं, बट नाउ यू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ इट. सो खैर एनीवेज, बचपन की बातें तो होती रहेंगी, बट यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करी और सिमिलर ही सामान था यहाँ पे भी. आई डिडंट फाइंड एनीथिंग दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई सॉ इन अल कबायल. बट हाँ, प्राइसेस भी अच्छे कंपेटिटिव ही थे, 1 to 20 थे. बट उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें थी विच वर मोर देन 20 dirhams. तो यहाँ पे इस तरीके की बास्केट्स थी. आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ पिकनिक बास्केट, बट मुझे ना थोड़ा बड़ा वाला चाहिए था, बट यहाँ पे ये छोटे वाले अवेलेबल थे विच आई डेंट वॉन्ट. इसमें कुछ सामान ही नहीं आएगा, हम 4 जने जाते हैं, उसके साथ साथ जो हमारे साथ फ्रेंड्स जाते हैं उन लोगों के लिए भी कभी कभी कुछ सबका खाने का सामान होता है, तो इसमें तो आएगा नहीं. सो यहाँ पर बेसिकली मैं वही देख रही थी. अल कबायल में मैंने देखा था बड़ा वाला पिकनिक बास्केट, सो आई वांटेड टू टेक दैट. तो नेक्स्ट टाइम जब वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से मैं वो ज़रूर लूँगी. मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर अवेलेबल थे. यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली हैं विच आई विल शो यू लेटर इन द व्लॉग. और आप हमारे सबके माथों पर ना टीके देख रहे हैं बिकॉज इस जगह जाने से पहले हम लोग गए थे मंदिर, और क्यों गए थे वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी. सो
तो खैर चलिए, ये है इनका फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे पूरा स्टेशनरी का बहुत बड़ा सेक्शन है इनका। फिर वहाँ पर कपड़े हैं, फुटवेयर है, और जो लगेज होता है उस तरीके की चीज़ें हैं, एक्सेसरीज, बैग्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा टॉयज़ का सेक्शन भी है, अगर आप बच्चों के रिटर्न गिफ्ट्स टाइप की कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बाय इन बल्क। और उसके अलावा डे टू डे में भी इस तरीके की चीज़ें जो है रिटर्न गिफ्ट जो होते हैं बच्चों के, कम रेंज वाले या बहुत सारी रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। सो हम लोगों का जो वीकेंड था ना, इस बार काफ़ी ज़्यादा बिजी था एंड वी वर एग्जॉस्टेड बाय द एंड ऑफ द वीकेंड। और मंडे इतना बुरा लग रहा था इस बार कि स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, कि बस पूछिए मत, बहुत ज़्यादा टायरिंग था हम लोगों के लिए। खैर, हमारे पास 3 बर्थडे इन्वाइट्स थे जिसमें हम 2 में ही जा पाए और तीसरा हमने स्किप किया बिकॉज पॉसिबल ही नहीं था एंड वी हैड अदर कमिटमेंट्स एज वेल। सबसे क्यूट ही है। आई नो। लेटर इन द व्लॉग आप लोग देखेंगे एक बर्थडे पार्टी जिसमें हम लोग गए थे एंड द कॉन्सेप्ट वॉज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल। देर वॉज अ फार्म हाउस टू विच एवरी वन वॉज इन्वाइटेड और उस फार्म हाउस पे देर वॉज एम्पल स्पेस फॉर द किड्स टू रन अराउंड। वहाँ पे झूले वगैरह भी थे। उसके अलावा वहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी फार्मिंग करी हुई थी ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स दैट यू नो यू गेट अराउंड इन दुबई। तो दुबई में उगने वाले बेसिकली सारे जो वेजिटेबल्स थी वो वहाँ पे थी। उन्होंने हमें पूरा टूर दिया उस चीज़ का कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे वहाँ पे लगी, वहाँ पे बहुत सारे बेर के पेड़ थे, जो ग्रीन बेर इंडिया में आते हैं, जो हम लोग शायद पेड़ से तोड़ के हम लोगों ने खाए थे किसी ज़माने में। आई थिंक मेरी किसी एक नानी के घर पे बेर का और शहतूत का पेड़ होता था जहाँ से हम लोग तोड़ तोड़ के खाते थे। इसके अलावा हमारे घर के सामने भी बहुत बड़ा जामुन का पेड़ होता था। हम लोगों ने तो खैर कभी भी वहाँ से नहीं खाए एंड नाउ दैट वीडियो हैज़ स्टार्टेड, सो एन्जॉय दैट। मीनवाइल आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट जो जामुन का पेड़ था। सो उस जामुन के पेड़ पे ना जो बकरी चराने आते थे लोग, वो वहाँ से पेड़ को हिला हिला के, झाड़ियाँ हिला के काफ़ी सारे जामुन नीचे गिरा देते थे एंड दे यूज़ टू टेक इट विद देम। उसी तरीके से एक आम का पेड़ भी था। तो पुरानी यादें जो होती है ना, कभी भी यू नो आपके दिल से नहीं निकलती है। सो खैर, यहाँ पर एज़ यू कैन सी अ लॉट ऑफ किड्स वर इनवाइटेड विद देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स थे, गाय माता थी, उसके अलावा भेड़, बकरियाँ, चिकन, टर्की एंड उसके अलावा खरगोश भी थे यहाँ पे। और यहाँ ये फार्मिंग कर रहे हैं। सो ये है वो बेर का पेड़ और बहुत सारे पेड़ थे एंड दे वर अलाउइंग अस टू जस्ट प्लक द बेर एंड ईट इट। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे बेर तो वहीं खाए और कवीश ने कुछ 5-10 बेर अपनी पॉकेट में भी रख लिए थे। सो आज मैं वो इन्जॉय करने वाली हूँ। सो यहाँ पर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे। अब यहाँ पे क्या हो गया है ना, बच्चों के पास इतना एक्सेस है चीज़ों का कि टू फाइंड समथिंग एंगेजिंग फॉर देम इज़ सच अ टास्क। इतनी सारी चीज़ें हैं, देर आर प्ले एरियाज, इस तरीके के फार्म एनिमल्स आप देख सकते हैं। स्कूल वालों ने भी इनके इस तरीके से फार्म एनिमल्स यू नो अपने स्कूल में उनको शोध किए थे, स्कूल में बुलवाया था एंड देन दे कुड सी, दे कुड फीड देम। तो
आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है एज़ पेरेंट्स टू फाइंड समथिंग दैट इज़ न्यू फॉर देम. सो अभी हम लोग कविश के बर्थडे का भी प्लान बना रहे हैं एंड वी आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड समथिंग जो उनको पसंद आए. How's it driving the truck, Kitty?